Hello students, welcome to Step by Step Study. How's everybody? So today in this session we are going to discuss about the Oscar Awards 2020 and ye the 92nd Academy Awards. Okay, so Oscar Awards kya hote hain, sabse pehle hum ye discuss karte hain, then we'll discuss about some Grammy Awards kya hote hain aapke. So let's get started. All ye maine definition aapki likhi hai Academy Awards एंड ऑस्कर अवार्ड्स. कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सो लेट मी टेल यू एकेडमी अवार्ड्स एंड ऑस्कर अवार्ड्स बोथ आर वन एंड द सेम थिंग. ओके, सो डेफिनेशन इज द एकेडमी अवार्ड्स आर मोस्ट पॉपुलरली नोन एज ऑस्कर अवार्ड्स. एकेडमी अवार्ड्स को ही हम ऑस्कर अवार्ड्स कहते हैं, इसीलिए हमने वहां पर 92nd एकेडमी अवार्ड वहां लिखा था. ओके, नाउ व्हाई आर दे गिवन, फॉर व्हाट दे आर गिवन. दे आर गिवन फॉर आर्टिस्टिक एंड टेक्निकल मेरिट इन फिल्म इंडस्ट्री. ठीक है, बेसिकली दे आर गिवन फॉर मूवीज. ऑस्कर जो है या आपके मूवीज के लिए दिए जाते हैं. ऑस्कर आर गिवन फॉर मूवीज एंड ग्रामीज आपने सुना होगा कई बार. ग्रामीज दे आर गिवन फॉर म्यूजिक. ठीक है, ये म्यूजिक के फील्ड में दिए जाते हैं और आपके जो ऑस्कर हैं ये मूवीज के लिए दिए जाते हैं. बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये है आपका डिफरेंस. नाउ जो ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं आपके, इसमें लाइव परफॉर्मेंसेस वगैरह ये सब नहीं होती. मैं थोड़ा सा एक बार आपको ऑस्कर्स के बारे में ब्रीफ में बता देती हूँ. इसमें जो है लाइव परफॉर्मेंसेस नहीं होती. ये एक बहुत प्रेस्टीजियस अवार्ड्स माने जाते हैं. लाइव परफॉर्मेंस मतलब जैसे गाना बजाना ये सब, लेकिन ग्रैमीज में लाइव परफॉर्मेंसेस होती हैं जब अवार्ड दिए जाते हैं. राइट, जो ऑस्कर्स हैं दे आर एनुअली गिवन बाय, दे आर एनुअली गिवन बाय AMPAS. AMPAS, अब ये AMPAS क्या है? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस के द्वारा ये एनुअली हर साल दिए जाते हैं. ओके, विनर्स को जो है एक गोल्डन स्टैच्यू मिलता है, एक कॉपी मिलती है गोल्डन स्टैच्यू की, और इसको क्या बोला जाता है ऑफिशियली, इसको एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट भी बोला जाता है. ओके, नाउ जो ये वाली सेरेमनी हुई थी 2020 में, ये थी आपकी 92nd अकेडमी अवार्ड सेरेमनी. ठीक है, 92nd अकेडमी अवार्ड सेरेमनी. ठीक है, एंड ये 19th अकेडमी अवार्ड सेरेमनी, और ये जो किस लिए हुई थी, ये थी जो 2019 की जो आपकी बेस्ट फिल्म थी, बेस्ट फिल्म्स थी, बेस्ट पिक्चर्स थी, उसको ऑनर करने के लिए. और ये हुए कब थे, दिए कब गए थे, ये February 9 को दिए गए थे. ठीक है, February 9, 2020 में ये दिए गए थे, लेकिन ये इस साल की मूवीज के लिए नहीं, ये पिछले साल की 2019 की मूवीज के लिए ये जो अवार्ड्स हैं ये दिए गए थे. वेयर, कहाँ पर हुए थे ये, यहाँ ये बता देती हूँ मैं. Where the ceremony was held? The ceremony was held in Dolby Theatre. Dolby Theatres, D-O-L-B-Y, Dolby Theatres में हुई थी ये. और Dolby Theatres है कहाँ आपके, ये लॉस एंजलिस में है, कैलिफोर्निया. लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया. ओके, और ये था क्या, ये 18th consecutive ईयर के लिए, इसको 18th consecutive ईयर के बाद ही मिला है, 18th consecutive ईयर था. ओके, नाउ कब से दिए जाए, अगर आपसे एक क्वेश्चन पुट अप कर दिया जाएगा एग्जाम में कि कब से दिए जा रहे हैं ऑस्कर्स, सिंस व्हेन, तो 1929 में पहला ऑस्कर मिला था. 1929 में ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि पहला ऑस्कर कौन सी मूवी को मिला था, एक्टर डायरेक्टर्स कौन थे इसके, इस पर भी हम वीडियो बना लेंगे. सो 1929 में सबसे पहली बार ऑस्कर दिया गया था, और अब तक जो है 3140 ऑस्कर्स जो है इस फील्ड में दिए जा चुके हैं. प्लस पहली सेरेमनी जो थी आपकी ऑस्कर सेरेमनी, वो हेल्ड हुई थी 16th of May 1949. आई होप ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा ऑस्कर्स क्या होते हैं, कौन ऑस्कर्स को देता है. इस बार जो ऑस्कर सेरेमनी हुई थी आपकी देने की, वो कहाँ पर हुई थी, डॉल्बी थिएटर्स, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया. 18th कंसेक्यूटिव साल में ये दिया गया है, और 2019 के जो हैं आपके मूवीज के लिए दिया गया है ये अवार्ड 2020 में. ठीक है, February 9, 2020 में अभी इसकी सेरेमनी हुई थी. तो चलते हैं, आप देखते हैं ऑस्कर अवार्ड 2020 के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं. पहला क्या है, द साउथ कोरियन कॉमेडी थिएटर थ्रिलर पैरासाइट मेड हिस्ट्री बिकमिंग द फर्स्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म टू विन बेस्ट पिक्चर. बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है आपको पैरासाइट को.
ये सबसे क्या कहते हैं फॉरेन लैंग्वेज फिल्म है, पहली फॉरेन लैंग्वेज फिल्म है, ये आपको ध्यान रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, साउथ कोरियन मूवी है ये, एक कॉमेडी थ्रिलर है, सबसे पहली फॉरेन लैंग्वेज फिल्म है. मतलब फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का मतलब है नॉन इंग्लिश, पहली नॉन इंग्लिश फिल्म है जिसको ऑस्कर मिला है. राइट नाउ इट ऑल्सो टुक होम द अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले. बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड, इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड भी इसी को मिला है. ठीक है, इन दोनों का अवार्ड भी इसी को मिला है, पैरासाइट को. बोंग जून हो ये इसके डायरेक्टर हैं जिनको इसका बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है. ठीक है, ऑस्कर्स में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड बोंग जून हो को मिला है फॉर डायरेक्टिंग पैरासाइट. अब 1917 है, एक मूवी है, द वर्ल्ड वॉर वन ड्रामा, ये है आपकी फ्रॉम सैम मेंडिस. इसको तीन अवार्ड्स मिले हैं, तीन अवार्ड्स किस किस फील्ड में, क्या क्या मिले हैं इसको. बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का अवार्ड मिला है इसको 1917 को, सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड मिला है, एंड साउंड मिक्सिंग का भी इसी को अवार्ड मिला है. बाकी ये जो है मार्टिन स्कोरेसिस द आयरिश मैन, इसको इसके 10 नॉमिनेशन थे लेकिन इसको कोई भी अवार्ड नहीं मिला है. ठीक है, नाउ जोएक्विन फोनिक्स, इसको बेस्ट एक्टर का, इनको जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है फॉर द मूवी जोकर, जोकर के लिए इनको बेस्ट एक्टर का मिला है. और रेनी जेलवेगर को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस, और किसके लिए मिला है, जूडी के लिए. राइट, आई होप ये लर्न हो गए होंगे आपको. आगे चलते हैं, देखिए बेस्ट पिक्चर का आपको मिला है पैरासाइट, जो मैंने आपको बताया ही था उसमें कि बेस्ट पिक्चर अवार्ड गोज टू पैरासाइट. बेस्ट डायरेक्टर बोंग जून हो, जो कि पैरासाइट के डायरेक्टर हैं. एक्टर है आपके जोएक्विन फोनिक्स फॉर जोकर, जे फॉर जोकर. ओके, नाउ बोंग जून हो भी आप याद कर सकते हैं, किम जोन उन से काफी मैच कर रहा है. आई नो कोई सेंस नहीं बन रहा, बट स्टिल आप इसको लर्न कर सकते हैं इसी तरीके से. एक्ट्रेस है आपकी रेनी जेलवेगर फॉर जूडी, ये हैं आपके जो फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं पेपर पेपर में जो है आपके पूछे जाते हैं ये चारों. ठीक है, चलो सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर किसको मिला है, ब्रैड पिट को वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड के लिए. ब्रैड पिट हैं आपके सपोर्टिंग एक्टर, एंड सपोर्टिंग एक्ट्रेस है आपकी लॉरा डर्न फॉर मैरिज स्टोरी. नाउ ओरिजिनल स्क्रीन पे हमने आगे किया था, ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का भी अवार्ड पैरासाइट को मिला है. नाउ अडेप्टेड स्क्रीन प्ले, ये है आपका जोजो रैबिट को मिला है, अडेप्टेड स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला है जोजो रैबिट. एंड इंटरनेशनल फीचर फिल्म जो थी ये भी जो है पैरासाइट को ही अवार्ड मिला है फॉर पैरासाइट. ये देखो साउथ कोरियन मूवी है, इसके आगे मैंने साउथ कोरिया लिखा हुआ है. ठीक है, चलिए एनिमेटेड फीचर, बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, इसको टॉय स्टोरी 4 को मिला है. साउंड एडिटिंग, बेस्ट साउंड एडिटिंग अवार्ड मिला है 4G Ferrari. नाउ बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स, विजुअल इफेक्ट्स का मिला है 1917 जो हमने करा था आगे वर्ल्ड वॉर वाली. फिल्म एडिटिंग का अवार्ड मिला है 4G Ferrari. आप देख सकते हैं साउंड एडिटिंग और फिल्म एडिटिंग ये दोनों 4G Ferrari को मिले हैं, और एनिमेटेड शॉर्ट मूवी मिली है हेयर लव को. आगे चलते हैं लाइव एक्शन शॉर्ट मूवी, लाइव एक्शन शॉर्ट मूवी किसको मिली है, ये द नेबर्स विंडो. नाउ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट मूवी ये मिला है ऑस्कर, लर्निंग टू स्केटबोर्ड इन वॉर जोन इफ यू आर अ गर्ल इसको. नाउ ओरिजिनल स्कोर जो है आपको ये मिला है जोकर को, ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है आपको, ऑस्कर मिला है आई एम गोना लव मी अगेन फ्रॉम रॉकेट मैन, ये रॉकेट मैन का है और ठीक है इसको मिला है आपको ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर. प्रोडक्शन डिजाइन का मिला है अवार्ड वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, इसके कौन थे, ब्रैड पिट थे इसमें, है ना. नाउ सिनेमेटोग्राफी का मिला है 1917 को, सिनेमेटोग्राफी का मिला है. कॉस्ट्यूम डिजाइन लिटिल वुमेन एंड मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग बॉम्बशेल. कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग ये आपसे रेयरली पूछा जाएगा, नहीं पूछे जाते, सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. आप सिनेमेटोग्राफी कर सकते हैं, प्रोडक्शन डिजाइन कर लीजिए, ओरिजिनल सॉन्ग आप कीजिए, ओरिजिनल स्कोर भी नहीं पूछा जाएगा, डॉक्यूमेंट्री फिर भी पूछ सकते हैं, कर लीजिए. डॉक्यूमेंट्री फीचर जो अवार्ड मिला है ये मिला है अमेरिकन फैक्ट्री को, और साउंड मिक्सिंग 1917 को मिला है. सो गाइस दैट्स इट इन दिस वीडियो, आगे मैं और ऑस्कर अवार्ड करवाऊंगी. ये थे 2019 वाले जो मिले हैं 2020 में, तो आप इसको पहले अच्छे से कर लीजिए. ओके, टेक केयर.